अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बर्ड्स के पास आ गया हूँ मैं आज, थोड़ा लेट आया हूँ, छुट्टी थी मगर फिर भी मैं लेट ही आया हूँ अपने बर्ड्स के पास। लेकिन सॉप फूड वगैरह और इनको वेजिटेबल रिंग ने को मैं सुबह ही दे गया था तकरीबन 11-12 बजे। तो अभी ताला खोलते हैं और अपने बर्ड्स के पास अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, अंदर मैं अपने बर्ड्स के पास आ गया हूँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ इन्हें एक दफ़ा। आप देख, खाने में ना आपको इतना इसने जलील किया हुआ ना यार, इतना जलील किया, मुझे इतना गुस्सा आता है। अब तो मेरे रोने के लिए आ रहा है, मैं रोने लग जाऊँगा। ये देखना, ये इस बेगैरत के काम देखें यार, मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी ये ढीट है ना, इतनी कोई ढीट मादी है ना, ये आप ऊपर देख रहे होंगे। आप देखें, ये अभी भी ऊपर ही बैठी हुई है। होता ऐसा है कि ना, रात में 11 बजे ऊपर आया हूँ, मैंने कहा चलो बाजरा पानी कर लेते, और मैं ना ये बनाकर पहले आपको इसका बता देता हूँ। अच्छा ना, ये ना जिस तरह से आपको पता है कि ना मैं इस कटोरे में बाजरा देता था पहले, तो ना ये हमेशा हमेशा, ये देखा आप डिश में देख रहे होंगे, अभी बाजरा गिरा के गया हूँ। 5 मिनट बाद ही आएंगे, मैं खाएंगे और फौरन बाजरे को गिरा देंगे। तो ना सारे तरीके मैंने आजमा लिए थे, वो जाली वाली पर भी लगा दी थी उन्होंने, फिर भी गिरा रहे थे, जो यानी कि उनको लगी हुई ना वो वाली। तो मैंने किया फिर नया जुगाड़ लगाया, बोतल लिया एक कोका कोला की, इसको ऊपर से ढोक खोल दिया ताकि पानी में नमी ना, और ना इसको ना आप देख रहे होंगे यहाँ से काट दिया, यानी कि जितनी जगह है ना इतनी इतनी, तो इतनी जगह यहाँ से काट दिए, बोतल वहाँ लगा दिए तार के साथ भागेंगे। अब इसके अंदर आते हैं, ये पूरी नहीं भरी है बोतल को, आराम से इसी के अंदर बैठ के खा के यहीं से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मसला तो हल हो गया। अब ये देखें कितने अच्छे देसी जुगाड़ लगाया मैंने। तो असल मसला यार ये है, मैंने ना ऐसा किया कि ना मैंने आया हूँ, ये ना खुली फिर रही थी। तो असल ना मसला ये है कि बॉक्स लगे हुए, देखें आप, बॉक्स लगे हुए हैं और पीछे यहाँ पर सनकनोर को भी बॉक्स लगा हुआ है। तो जब ये इतना सा परिंदा ये पूरे फार्म में घूमता है ना, तो ये परिंदे डिस्टर्ब होते हैं हमारे। तो और ब्रीडिंग सीजन में इन्हें डिस्टर्बेंस अवॉइड करना चाहिए कि डिस्टर्बेंस ना हो इनके इनको, क्योंकि ये फिर ब्रीड पर नहीं आते हैं सही से। तो ना ये जब खुलते हैं ना, तो बहुत मसला होता है पकड़ने में। तो ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आया, मैंने इतनी देर, आधे घंटे में आप यकीन माने मैंने इसको पकड़ा, मैंने ना पकड़ के छोड़ा। आप यकीन करें कि ना मैं सिर्फ स्टूल से उतरा, अभी भी मैं स्टूल के ऊपर खड़ा, स्टूल पर चढ़ के इनको करना पड़ता है। मैं स्टूल से उतर के सिर्फ दरवाजे तक वहां पहुंचा हूँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा, यह दोबारा भाग रही थी। मैंने ये नहीं देखा कि यह कहाँ से आई है भाई। उसके बाद मैंने इसे पकड़ा दोबारा, इतनी देर लगी, मतलब तकरीबन घंटा लग गया इन्हें दो चक्कर में से पकड़ते पकड़ते, मैंने छोड़ दिया। सुबह आया हूँ, ये फिर सुबह बाहर थी, मैंने आया हूँ, मैंने कहा पत्नी यार कहाँ से निकली थी ना, ये दरवाजा थोड़ा सा यहाँ इतना सा खुला था जैसे खुल जाता है, वहां से भाग नहीं सकती। वैसे मैंने अपने शक को दूर करने के लिए यहाँ से ही बांध दिया। अब मैं ऊपर आऊँ यार, ये फिर से बाहर निकली हुई है, मैं क्या करूँ, आप ही मुझे कोई हल बताएं। मैंने सारा पिंजरा देख लिया, सारा खाना, ये कहाँ से भाग रही है, सारे तरीके आजमा लिए इसको, इतनी इतनी तारे बांधे इसे पिंजरे को, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये मनहूस है कि पता नहीं कहाँ से निकल जाती है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा, दिखाऊँगा कैसे पकड़ूंगा इसको, फिर आप देखना कितनी जलील करती है मुझे। कि देखें यार, मैं इतनी देर से कोशिश करूँगा ये पकड़ी जाए, पकड़ी नहीं जा रही है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, सारे मेरे बर्ड्स परेशान हो रहे, तो मेरे पे रैकेट भी टूटा हुआ है, और इधर कट्टू बनाया हुआ, कट्टू को कट्टू बांधा हुआ, इतनी देर हो गया मुझे इसको पकड़ते, इतने देखे ना सारे परिंदे डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे। ओए हो, देखिए इस तरह से लील करती है ये, सारे पानी गिरा, सारे डब्बे हिल रहे हैं। देखो ना, इधर करूंगा इधर आ जाएगी, इधर करूंगा ये इधर आ जाएगी, जलील इधर, देखो ना ये बैठ, मैं किस तरह करूँ इसे, आ गई आ गई आ गई, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, फिर भाग गई, फिर भाग गई मन में। देखो ना है जी इसी का ही मसला, देखिए सारा पानी गिर रहा है, देखिए कटोरियां गिरी हैं पानी की, सुबह से यही काम हो रहा है। ये परिंदे देखे ना मेरे कैसे परेशान हो रहे हैं, ये देखे आप उधर से लबड़ को देखे, सिर्फ इसकी वजह से इतना मेरे गुस्सा आ रहा है ना बगैरत पे। यार यार, ये अब उड़ते उड़ते कहाँ के फंसी है ये, देखे से इसके काम देखे आप,
पे फंस गई जाके, अब इसे कैसे निकालूं मैं, इतना इसने तंग किया हुआ है ना, बिल्कुल इसके मुंह पे मार के से मार दूं मैं। ये तो ये मेरा हाथ आ रहा है पांच, कल से लेकिन छठी दफा कर रही है ये, कल भी दो दफा निकली है और आज सुबह से लेके ये देख रहे हैं अभी तीन बज रहे हैं, तीन बजे के दरमियान ये चार दफा निकल चुकी है। ओए होए इसको मैं कैसे निकालूं अब यहाँ से, लग रहा है पाँव को तो काट रहे यहाँ से, वहां से भी रिंग नेक है, यहाँ से भी रिंग नेक है, मरी तो बहुत बुरी मरेगी, यहाँ से भी काटेंगे वहां से भी काटेंगे इसे। ये पकड़ी गई बाहर आ, इसको जो है रिंग नेक काटने के लिए आ गई है, ये देख। ओए होए फिर छूट गई यार, ये मेरा इतना भारी पी यार, मैं आपसे आज की वीडियो में माजत करता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त गुस्से में था बहुत ज़्यादा, आपको पता है गुस्से में इंसान कुछ नहीं देखता, तो अभी मैं अपने शर्ट से बाहर आऊँ, इसमें मेरा इतना दिमाग में दर्द कर दिया ना, मैं इतना समझ रोने नहीं, मैं अभी रोने भी लग गया था, आपने देखा वीडियो में, तो बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है इसमें। मैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बाहर बैठी है, और मैंने अभी इसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ूंगा मैं इसको, बेशक ये मरती है ना तो मर जाए। इसने सारे परिंदों को, दूसरे परिंदों का क्या कसूर है, इसने सारे परिंदों को, ये तकरीबन दो दिन का मुझे जलील किया हुआ इसने, और दूसरे परिंदों का क्या कसूर है, वो नेस्टिंग करे अपने, तो ये अभी यूं ही पड़ी रहेगी, अब मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। तो अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैंने उसमें कोई दो तीन गालियाँ निकल गई बगैरत का, तो अगर आपको बुरा लगा तो माजरत, तो बाकी मैं वीडियो ये डालूंगा, वीडियो की कटिंग नहीं करूँगा। तो मेरे ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।